See, we had started with transfer pricing chapter, but we couldn't complete because of our internal exams. So I think how many sums we have done, by the way, we have done this theoretical part, transfer pricing. Whenever one unit transfers its products, stocks to another unit, that time they have to calculate transfer pricing, transfer price. And we have discussed different methods also. Market price method and competitive price method. Cost-based transfer pricing method, calculation of profit markup. Yes, so there were different methods that we discussed in the last few lectures. We could start with practical questions also, I suppose. And how many sums we have done, I don't remember that. So will you be able to help me out? How many sums and which sums we have done? Like this sum number one, I feel we have done. Can you please check Rainbow Company Limited? Hello ma'am, हाँ हो गया ये वाला. हो गया है ना, ठीक है, ये Rainbow Company वाला हो गया, okay? And और कौन कौन सा हो गया? और भी मुझे आप प्लीज हेल्प करो तो मुझे आइडिया क्लियर हो जाए. ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ये कौन सा सम नंबर कौन सा है ये बाय द वे? मेरे ख्याल से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होगा. ऑर्गेनिक फूड्स, एक बार चेक करो ये कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन है. आई थिंक ये भी किया ना हमने. टीपी लिमिटेड हैज थ्री डिविजन्स, यू वी एंड डब्ल्यू. यस मैम, हो गया. हाँ ये भी हो गया ना, ओके. मतलब और ये वाला टेंथ नहीं, ओके. ये है क्या ऑर्गेनिक फूड वाला? हाँ यस मैम, ये हो गया ऑर्गेनिक फूड. हो गया ना, ठीक है. मतलब आई थिंक थ्री क्वेश्चंस आर डन. थ्री राइट. यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट अलग थी आपकी, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और टारगेटेड आरओआई आपका फिक्स्ड एसेट का अलग था और करंट एसेट्स का अलग था. डू यू रिमेम्बर? ओनली दिस पॉइंट वाज डिफरेंट. याद आया आपको? ओके यस सर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस 12th सम, 12th क्वेश्चन. डिवीजन ए ऑफ लोकेश लिमिटेड manufactures product X which is sold to division B. Now ध्यान से देखो, division A में मतलब department, आप division का मतलब आप department समझिए, ठीक है, नहीं तो आपको confusion होगा. Division A में product X को manufacture करते हैं जो कि हम division B को बेच देते हैं. Company same है, हाँ, divisions बने हुए A B, ठीक है, तो division A B C करके. तो डिवीजन ए ने एक्स प्रोडक्ट बनाया, डिवीजन बी को बेचा. अब उस डिवीजन बी ने प्रोडक्ट एक्स को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट वाई में बनाया, उस प्रोडक्ट एक्स को और फिनिशिंग दिया, प्रोसेसिंग किया और उसको प्रोडक्ट वाई में कन्वर्ट कर दिया. अब प्रोडक्ट वाई में कन्वर्ट करके कौन से डिवीजन को बेच दिया? डिवीजन बी ने डिवीजन सी को, ठीक है. अब उसने और प्रोसेसिंग की, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की, उसको फिनिशिंग दिया और उसने प्रोडक्ट वाई को प्रोडक्ट जेड में कन्वर्ट कर दिया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कॉटन और थ्रेड में से आपने क्लॉथ मटेरियल बनाया तो प्रोडक्ट एक्स का नाम हो गया क्लॉथ मटेरियल. अब क्लॉथ मटेरियल तो पूरा वाइट 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 कलर होता है, तो जब डिवीजन बी के पास क्लॉथ मटेरियल आया तो क्लॉथ मटेरियल में से उसने कलरफुल क्लॉथ मटेरियल में कन्वर्ट किया. कि दो मीटर 40 मीटर को ब्लू कलर में कन्वर्ट किया और 80 मीटर्स को पिंक कलर में कन्वर्ट किया, डाई किया. मतलब समझो आपका डिवीजन बी डाई करता है, तो उसने प्रोडक्ट एक्स मतलब प्लेन क्लॉथ मटेरियल को प्रोडक्ट वाई में कन्वर्ट किया, कलरफुल क्लॉथ मटेरियल में कन्वर्ट किया. अब प्रोडक्ट जेड, अब जब ही प्रोडक्ट वाई किसके पास आया? डिवीजन सी के पास. वो तो क्लॉथ मटेरियल था, कलरफुल ब्लू पिंक वाइट रेड ब्लैक ऑरेंज, ये सारे कलरफुल कपड़े थे, पर थे तो क्लॉथ मटेरियल.
अब डिवीजन सी ने क्या किया, उसको स्टिच करके टी शर्ट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स में कन्वर्ट किया, तो प्रोडक्ट जेड बन गया। आपको समझ आ रहा है मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ? यस मैम। हाँ तो जब डिवीजन ए से डिवीजन बी में जा रहा है तब भी तो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खर्चा हो रहा है ना। मेरे बोलने का मतलब है हम ट्रांसफर प्राइस क्यों कैलकुलेट करते हैं कि जब प्रोडक्ट एक डिवीजन से निकल के दूसरे डिवीजन में जाता है तब भी तो कुछ खर्चा होता है, तब भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट एक्स को बनाया जा रहा था तब भी तो एक्सपेंसेस हुए थे। तो वो डिवीजन बी के पास जाएगा तो ट्रांसफर प्राइस तो कैलकुलेट होगा ना, वो अपने जेब से थोड़ी भरेंगे प्रोडक्ट एक्स को बनाने का खर्चा। डिवीजन ए अपने पॉकेट से क्यों भरेगा, वो ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली डिवीजन बी जब डिवीजन सी को ट्रांसफर करेगा तब भी कैलकुलेट होगा प्राइस। तो ऐसे ही तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, कस्टमर तक पहुंचने तक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस में से जाते जाते प्रोडक्ट महंगा हो जाते हैं, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। देयरफॉर उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट जेड जब बन गया तो इट इज सोल्ड टू द कस्टमर आउटसाइड ऑफ द कंपनी। हमने कंपनी के बाहर प्रोडक्ट जेड को बेच दिया। अब जो टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स बन चुके ना, रेडीमेड प्रोडक्ट बन गया, अब हमने कस्टमर को उसको बेचा। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। मतलब हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि प्रोडक्ट एक्स जब वाई को देगा, सॉरी डिवीजन ए जब डिवीजन बी को देगा प्रोडक्ट एक्स, तब क्या ट्रांसफर प्राइस होगी, और जब डिवीजन बी डिवीजन सी को देगा प्रोडक्ट वाई तब क्या ट्रांसफर प्राइस होगी। तो ट्रांसफर प्राइस वो दो प्रोडक्ट्स की पूछ रहा है, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, क्योंकि जेड की ट्रांसफर प्राइस नहीं हो सकती है, जेड की तो एमआरपी हो सकती है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि अब तो वो कस्टमर को जाएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं क्या है ये। इसमें आपको कॉलम्स कितने दिए हैं, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट एक्स की इंफॉर्मेशन, वाई की एंड जेड की। कैपेसिटी दिया हुआ है नंबर्स में। अब जब जब वो नंबर्स बोलेगा ना उसका मतलब होता है क्वांटिटी, याद रखो। जब जब वो नंबर्स बोलेगा, एन ओ एस डॉट मतलब नंबर्स, यहाँ पे जब जब वो नंबर्स देगा ना, नंबर्स मतलब 12,000 नंबर्स, यानी कि 12,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब एक्स की कितनी है 12, वाई की 12, जेड की 12,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, एंड टारगेटेड आरओआई है तीनों का। फर्स्ट है 15%, वाई 20%, जेड 25%। हाउ वुड वी डू इट, सेम वे एज वी हैव डन द अर्लियर क्वेश्चंस। ठीक है, सेम वे करेंगे, कॉलम्स उतने ही बनाते हैं हम जितने यहाँ पे लग रहे हैं हमको। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट में सबसे पहले टारगेट प्राइस से शुरू, सॉरी ट्रांसफर प्राइस से शुरू होता है, ट्रांसफर प्राइस पे ही खत्म होता है। याद आया, ये स्टेटमेंट में हर सम में यूज कर रही थी। शुरुआत भी ट्रांसफर प्राइस से होगी, खत्म भी ट्रांसफर प्राइस से होगा, लेकिन जो ऊपर वाला ट्रांसफर प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस है, और जो नीचे वाला ट्रांसफर प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है। तो प्रोडक्ट एक्स जब भी डिवीजन ए ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब बी खरीद रहा है तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना। तो वो ही ट्रांसफर प्राइस जो ए के नीचे आएगी वो बी के ऊपर आएगी कॉस्ट में। ये सबको क्लियर है, याद आ गया फॉर्मेट सबको? ट्रांसफर प्राइस में हम बहुत सारी कॉस्ट, जो अलग अलग कॉस्ट होती है वो ऐड करते हैं। ऊपर वाला ट्रांसफर प्राइस, उसमें हम कॉस्ट ऐड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, प्रोसेसिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। जब ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाने के बाद आपको उसमें ऐड करना है प्रॉफिट, टारगेटेड आरओआई। टारगेटेड आरओआई का मतलब होता है प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे 15% प्रॉफिट मार्जिन है, पर किस पे? आरओआई मतलब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका 15%। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की है? दो, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, दो दो जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है।
तो दोनों को मिला के हम 15% निकाल देंगे, वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। वही ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट मुझे ट्रांसफर करना है, मतलब डिवीजन बी को देना है। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस मैम। आई होप यू रिमेम्बर द फॉर्मेट। मैं इसीलिए आपको रिवाइज करवा रही थी पहले, क्योंकि बहुत बड़ी गैप हो गई है, मतलब 1 वीक का गैप हो गया है। हमने ऑलरेडी 3 sums कर चुके थे ऐसे ही सेम, बट मैं ये वैसे तो मैं ये होमवर्क में दे सकती थी, बट आई वॉन्टेड यू टू रिवाइज वंस एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन टू द अनदर क्वेश्चंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ऊपर से लिखो स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, सम नंबर 12, अनसॉल्वड क्वेश्चन, और ये आपका PDF का पेज है 9th, PDF पेज नंबर 9 है। टेक्स्ट बुक का आपको चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 है, 60। सम नंबर 12th अनसॉल्वड प्रॉब्लम। हमने प्रोडक्ट एक्स लिखने का, हाँ हमने जो लिखा है ना वो ही लिखना है, डिवीजन ए बी सी नहीं लिखना है। डिवीजन ए ने क्या बनाया? प्रोडक्ट एक्स बनाया। डिवीजन बी ने क्या बनाया? वाई। और सी ने क्या बनाया? जेड। तो हमने प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है बजाय के डिविजन्स के, ठीक है? ओके। हाँ, मतलब क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ ना प्रिफर करो, हमेशा वैसे लिखना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो। सबसे पहला है, पहला है आपका पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर प्रोडक्ट एक्स का कॉलम, फिर प्रोडक्ट वाई का कॉलम, फिर प्रोडक्ट जेड का कॉलम। उसके नीचे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स के कॉलम के नीचे बिल्कुल लिखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। अलग से कॉलम अलग से रो नहीं बनाओगे तो चलेगा। आपने लिखा है ना प्रोडक्ट एक्स, उसके ब्रैकेट में लिख दो 12,000 यूनिट्स। वाई का कितना है कोई बताएगा? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है वाई के? 12,000। वेरी गुड, 12,000। और जेड के कितने हैं? 12,000। यस, सेम। ये कोइंसिडेंटली सेम है, अलग भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है तीनों के हमने सेम सेम दियो, मतलब अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। जो होगा हम उसके हिसाब से सम करेंगे। सो 12,000 इन द ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए हम लोग को ना हमेशा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट हमेशा कैलकुलेट करना होता है, वो चाहे पूछे चाहे ना पूछे। पर आपको कॉलम प्रोडक्ट एक्स के अंडर में 2 बनाने हैं, वाई के भी जेड के भी। प्रोडक्ट एक्स में पार्टीशन कर दो, 2 कॉलम्स बना दो प्रोडक्ट एक्स के नीचे। लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका पर यूनिट और राइट हैंड साइड होगा अमाउंट। सेम एज वाई में भी करो, लेफ्ट हैंड साइड पर यूनिट राइट हैंड साइड अमाउंट। जेड में भी लेफ्ट हैंड साइड पर यूनिट राइट हैंड साइड अमाउंट, मतलब आप एक्स वाई और जेड को भी पार्टीशन कर रहे हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फॉर्मेट बनाना याद है ना, पहले वाले सम्स को देखो आप। हाँ, पहले वाले क्वेश्चंस को देखो अब, फिर समझ जाएगा क्लियरली, आई मीन सॉल्यूशंस को देखो। चलो देखो, अभी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड में आपने पार्टीशन कर ली, अब कैपेसिटी भी लिख दी है आपने ऑलरेडी 12,000। अब सबसे पहले शुरुआत होती है ट्रांसफर प्राइसिंग से, याद रखना हमेशा शुरुआत करते हैं ट्रांसफर प्राइस से। स्टार्ट करो, लिखो। ये जो ऊपर वाली ट्रांसफर प्राइस होती है ना, ये कॉस्ट वाली ट्रांसफर प्राइस होती है, कॉस्ट मतलब खर्चा। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए ट्रांसफर प्राइस तो होगी नहीं ना? हाँ, वो प्रोसेस जो फर्स्ट डिवीजन है उसके, वो थोड़ी, वो तो खुद लेके आए हैं ना कॉटन और थ्रेड, वो थोड़ी कहीं ट्रांसफर होके आए हैं उसके पास से, नहीं। तो मतलब जो फर्स्ट है ना उसके लिए कॉस्ट का ट्रांसफर प्राइस नहीं होता है। तो आप उसमें नील करो और नीचे लिखो मटेरियल कॉस्ट।
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपने लिखा ना ट्रांसफर प्राइस के नीचे, मतलब पर यूनिट नहीं लिखना है. हाँ, ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए दिया हुआ, ये पर यूनिट है. हमको सिर्फ क्या लिखना है, मटेरियल कॉस्ट. अब आ जाओ पर यूनिट के कॉलम में, लिखो 20, प्रोडक्ट एक्स में लिखो 20, और मुझे बताओ इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे. कोई बताएगा? 20 12000 से मल्टीप्लाई करेंगे. वेरी गुड. सो 20 इनटू 12000 यूनिट्स, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 2,40,000. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे ही आपको करना है प्रोसेसिंग कॉस्ट नीचे. और याद रखो, पहले प्रोडक्ट एक्स खत्म करोगे तब प्रोडक्ट वाई शुरू कर पाओगे. आपको बीच में नहीं, ऐसे नहीं साइमल्टेनियसली नहीं करना है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं करना है. जैसे मैंने स्टार्टिंग सम से, फर्स्ट सम से आपको एक ही मेथड सिखाया है, प्रोडक्ट एक्स को पहले फिनिश करो. अभी आ जाओ प्रोसेस कॉस्ट पे, प्रोडक्ट एक्स का बताओ प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट कितना है. 40. पर यूनिट के कॉलम में लिखेंगे 40. अब 40 को वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से. 12,000. वेरी गुड. सो 40 इनटू 12,000 इज हाउ मच? 4,80,000. वेरी गुड. 4,80,000. नेक्स्ट है आपका, और कोई कॉस्ट तो मुझे दिख नहीं रही है. ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है आपका, और कोई कॉस्ट मुझे दिख नहीं रही है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे सबको प्लस करेंगे और निकालेंगे टोटल कॉस्ट. बताओ मुझे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी. पहले अमाउंट 9,60,000. 9,60,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से, तो आपको पर यूनिट मिलेगा 80 पर यूनिट. वेरी गुड, 80 पर यूनिट. अभी देखो, उसके बाद हम ऐड करेंगे टारगेटेड आरओआई. लिखो आप भी, ऐड टारगेट आरओआई. अब नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको. आपको याद होगा कैसा वर्किंग नोट चाहिए हमको. यस मैम. हाँ, एक मिनट रुको, मैं आपको बता देती हूँ कैसा वर्किंग नोट. ये वाला, ऐसा वाला, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट रिटर्न्स. बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टारगेट रिटर्न्स. ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, टारगेट रिटर्न्स की फॉर्मूला क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू आरओआई परसेंटेज. टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू आरओआई परसेंटेज, ये इसकी फॉर्मूला होती है. ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करनी है आपको बोलो. कितने आपके पास, कितने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड 3 है, तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट एक्स. हम पहले निकालेंगे प्रोडक्ट एक्स के लिए, तो बोलो प्रोडक्ट एक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. 36 लाख. ये देखो आप ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिक्स्ड एसेट्स है 20 लाख और करंट एसेट्स है 16 लाख. म्यूट सारे म्यूट कर दो आंसर देकर. ठीक है, चलो अभी देखो, फिक्स्ड एसेट है 20 लाख, करंट एसेट्स है 16 लाख. मतलब आपके लिए प्रोडक्ट एक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट है 36 लाख्स. 36 लाख्स का इनटू करेंगे आरओआई परसेंटेज, तो टारगेटेड आरओआई कितना है एक्स का, 15%. तो मुझे बताओ 36 लाख्स का 15% कितना हो गया. 5 लाख्स. फिर से बोलो. 5 लाख्स. 40,000. हाँ, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट वाई का भी कैलकुलेट करना है. प्रोडक्ट वाई का, चलो बताओ प्रोडक्ट वाई का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. 24 लाख्स प्लस 24 लाख्स, दो इन्वेस्टमेंट्स है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 48 लाख. इनटू इसका आरओआई कितना है, आरओआई परसेंटेज 20%. तो आपका 48 लाख का 20%, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9,60,000. एंड सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट सेम फॉर प्रोडक्ट जेड. ठीक है, प्रोडक्ट जेड के लिए कितना है कोई बताएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट्स. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30 लाख एंड 18 लाख. 30 लाख एंड 18 लाख, मतलब टोटल कितना हो गया,
48 लाख इनटू आरओआई का परसेंटेज कितना है लास्ट जेड का? वेरी गुड, 25%. सो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 48 लाख का 25%? 12 लाख. समझ में आया सबको कैसे करना है? सेम हम जैसे पहले करते थे. तो अब क्या करना है मुझे? अब स्टेटमेंट में आ जाएंगे आप. स्टेटमेंट, ये वर्किंग नोट बना लिया आपने, अब स्टेटमेंट में आ जाओ. स्टेटमेंट में हम खड़े हैं प्रोडक्ट एक्स में. तो प्रोडक्ट एक्स का टारगेट आरओआई कितना है? 5,40,000. तो आप लिखोगे अमाउंट के कॉलम में, प्रोडक्ट एक्स के अमाउंट के कॉलम में 5,40,000. अब 5,40,000 का पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करूं मैं? डिवाइड बाय 12,000. वेरी गुड, वेरी गुड. 12,000 इज नंबर ऑफ यूनिट्स. तो कितना आ जाएगा पर यूनिट आपका टारगेट आरओआई का पर यूनिट? 45. ओके, 45. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट इज अभी आप क्या करोगे? कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करोगे. प्रॉफिट मतलब टारगेट आरओआई. कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे. 10 लाख. हाँ, मतलब पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 10 लाख्स. अब 10 लाख्स को आप 12,000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा पर यूनिट. तो 10 लाख्स, 15 लाख्स आया. सॉरी, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी थी अमाउंट में? 9,60,000 मैम. 9,60,000 और टारगेट आरओआई था 5,40,000. 960 और 540 कितना होता है? 15 लाख्स होता है बराबर. तो 15 लाख्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब 12,000. यस मैम, 125 आपका ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट. हाँ, अब यही वही पर यूनिट ही है जो मुझे वाई में लेके जाना है. पर यूनिट को वाई में लेके जाओ. लिखो 125 ट्रांसफर प्राइस वाई के रो में आ जाओ. वाई के ट्रांसफर प्राइस ऊपर वाला. हाँ, 125. अब उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 125 को? 25. नहीं, 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,000. यस, जो 12,000. यस, जो 12,000 वाई का है. ये कोइंसिडेंटली 12,000 सेम है. अगर अलग होता तो हमको समझो 12 नहीं होता, वाई का 11 होता. तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करती, 11,000. मतलब 125 इंटू 11,000 होता. ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. अगर 12,000 सेम नहीं हुआ तो क्या करना है? और मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, हमने ऐसा भी सम किया है जिसमें तीनों के नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग हैं. फर्स्ट या सेकंड सम हमने ऑलरेडी किया है ऐसा, अगर आपको याद है तो. ठीक है, चलो मुझे बताओ प्रोडक्ट वाई का अमाउंट में ट्रांसफर प्राइस कितना आया? किसका मैम? अमाउंट, अमाउंट कॉलम कितना आया? 15 लाख. वेरी गुड. अब मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट वापस ऐड करेंगे. एक मिनट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमने नहीं ऐड किया था. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट लाख किया था मैम. पक्का किया था ना? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000 किया था मैम. यस मैम, किया था. हाँ ठीक है, भूल नहीं गए ना? बस मैं ये कंफर्म कर रही थी. ठीक है, आगे बढ़ो. अभी ट्रांसफर प्राइस के नीचे लिखोगे आप एज यूजुअल, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट. मुझे बताओ वाई का पर यूनिट कितना है मटेरियल का? 10. तो लिखो 10. 10. 10. हाँ 10. मटेरियल, मटेरियल 10. वेरी गुड. तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000. वेरी गुड, 12,000. टेल मी कितना हो जाएगा? 120,000. वेरी गुड. और प्रोसेसिंग कॉस्ट का पर यूनिट कितना है? 15 इंटू 12,000 कितना हो जाएगा? 1,80,000. और सेम भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी लिखना है. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका अमाउंट में? 3,12,000. 3,12,000.
और उसका पर यूनिट आपको पता है कैसे निकालना है, डिवाइड बाय 12,000. 26 पर यूनिट. 26 पर यूनिट. आर यू श्योर? हमने प्रोडक्ट एक्स में मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट तीनों लिखी है? यस मैम. ठीक है, ओके, चलो बढ़िया. आगे देखो, सारी कॉस्ट को अभी ऐड करेंगे ट्रांसफर प्राइस से मिलाकर. ट्रांसफर प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, चारों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट. किसका? प्रोडक्ट वाई का. 21,12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स तो आपको मिल जाएगा पर यूनिट 176. वेरी गुड. अब टारगेट आरओआई में आ जाओ. आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया हुआ है, उसमें प्रोडक्ट वाई के बारे में लिखा भी हुआ है कि टारगेटेड आरओआई कितना है. मुझे बता सकते हो स्क्रीन पे देख के प्रोडक्ट वाई का टारगेट आरओआई कितना है? 9,60,000. लिखो टारगेट आरओआई को, ऐड करो 9,60,000 अमाउंट के कॉलम में, और 9,60,000 को डिवाइड करेंगे हम 12,000 से तो आपको मिलेगा पर यूनिट 80 पर यूनिट. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट जॉब. 80 पर यूनिट. और अब क्या करना है आपको? कॉस्ट और टारगेट आरओआई को ऐड करना. कॉस्ट और टारगेट आरओआई को ऐड कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है. मैम 30,72,000. वेरी गुड. 30,72,000 डिवाइडेड बाय 12,000. 256. अब ये मेन है, ये 256 इज मेन पॉइंट. मतलब ये जो है ना, ये आपको लेकर जाना है डिवीजन सी, मतलब प्रोडक्ट जेड के पास. उसके ट्रांसफर प्राइस में, जो ऊपर वाला ट्रांसफर प्राइस है प्रोडक्ट जेड में, उसके पर यूनिट में लिखना है 256, और 256 को वापस प्रोडक्ट जेड के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. बोलो, 256 इनटू प्रोडक्ट जेड के यूनिट्स कितने हैं? 12,000. तो कितना हो जाएगा? 30,72,000. ये कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है ये 12,000 सेम हो तीनों के लिए. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. सो 256 इनटू 12,000 इज 30,72,000. ऐसे ही आप सेम अभी मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट तीनों को ऐड कीजिए. I'm giving you 2 minutes.